अगर आप नेक काम करके थक गए हैं तो ये कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, दो व्यक्ति एक कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचे। वे एक दूसरे से बात करने लगे। करण ने विवेक से उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, तो विवेक ने अपनी क्वालिफिकेशन बताई। तो करण ने कहा कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो ये जॉब तो तुम्हें मिल सकती है। विवेक ने करण से पूछा कि उसे यह जॉब क्यों चाहिए, तो उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर करण ने विवेक से पूछा कि उसे यह नौकरी क्यों चाहिए, तो उसने बताया कि उसे अपने बड़े भाई की पैसे कमाने में मदद करनी है। ये सुनकर करण ने विवेक से कहा कि आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, तो उसे किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और उसे इस जॉब की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या वो यह नौकरी उसके लिए छोड़ सकता है। इतने में करण को इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। जब उसने बाहर आकर देखा तो विवेक वहाँ नहीं था, तो उसने कंपनी से उसका नंबर लिया और उसे फ़ोन किया और धन्यवाद करते हुए कहा कि कंपनी में एक और व्यक्ति की ज़रूरत है, तो वह कल कंपनी में आ जाए, उसने बात कर ली है। जब विवेक वहाँ पहुँचा तो वह हैरान रह गया। करण मालिक की कुर्सी पर बैठा था। करण ने कहा, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मुझे इस कंपनी के लिए तुम्हारे जैसे दयालु और भले व्यक्ति की ज़रूरत थी। करण ने अपनी कंपनी में विवेक को मैनेजर की पोस्ट दे दी। तो किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, कोई देखे ना देखे, भगवान ज़रूर देखता है।